अति बारिश के चलते मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल पूरी तरह खराब हो गई है, जिसे लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार से सोयाबीन की फसल का सर्वे कराकर तुरंत किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने यूरिया की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए सरकार से उचित कार्रवाई करने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने उनकी सरकार द्वारा चलाई गई किसान ऋण माफी योजना को दोबारा शुरू करने की मांग भी सरकार से की है। भैया चुप हो जाओ। जो अति वर्षा की वजह से किसानों की फसल नष्ट हुई है, सोयाबीन की फसल नष्ट हुई है, इसका मुआवजा सर्वे करके तुरंत सरकार को देना चाहिए। यूरिया खाद भी नहीं मिल रहा, उसकी भी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, उसकी भी यूरिया लोगों को उपलब्ध कराए, और जो किसानों की ऋण माफ़ी का मामला है, क्योंकि कल हम जब ग्वालियर गए थे मामले वहाँ पर उठे, लोगों ने मांग की है, जो ऋण माफ़ी रोक दिए 22 लाख किसानों के बाद बीजेपी की सरकार ने, वो तुरंत शुरू करे, ये हमारी मांग है और ये पूरे चुनाव क्षेत्र से मांग आ रही है। भोपाल से EMS TV के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र मालिक के साथ हेमंत मालिक की रिपोर्ट।